अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में जितना मुझसे हो सका मैंने लोगों को बताया, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं 7th सेमेस्टर में था अपने बैचलर के दौरान, केमिकल इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था, तो मैंने काफ़ी जगहों पर अप्लाई किया। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो तकरीबन 40, 50, 60, 20, 12, 10, 8 मेल्स करके थक जाते हैं कि हमारे पास रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा या वो क्यों नहीं करना चाह रहे। काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो लगती हैं, अप्लाई होती हैं, कभी वो बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, या हो सकता है वो वोकेशंस पे हों, लेकिन हम लोग जो हैं उसको अपना डिसअपॉइंट करके बैठ जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसर्च प्रपोजल पर, कि रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान क्या होता है, आज मैं वही बताने चला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च प्लान इनमें क्या फ़र्क है। एक मिनट मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, असल में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान नियर अबाउट बिल्कुल कुछ चीज़ों, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के जो है ना ये सेम होते हैं, तो ये चीज़ होते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेटमेंट ऑफ स्टडी प्लान का क्या होता है। स्टडी प्लान असल में वो स्टडी प्लान स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर इस तरह से जाहिर होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि आप अपना फ्यूचर इंटरेस्ट बताते हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, इस कंट्री में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई सेलेक्टेड, जैसा कि अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, आई हैव हेयर्ड फ्रॉम माई सीनियर स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अबाउट द स्टडीज ऑफ द हंगरी यूनिवर्सिटीज एंड चाइना यूनिवर्सिटी। जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और स्टडी प्लान को मर्ज कर सकते हो, अगर ना भी करो तो डिफरेंट बना सकते हो। ये तकरीबन सेम सेम होते हैं, जिसमें आपने जस्ट क्या करनी होती है, अपनी तरफ से एक डिटेल मार्कशीट देनी होती है, ऐसे समझ लो कि अपनी तरफ से एक शीट बनानी होती है जो आपको एक्सप्रेस करे, आपकी मोटिवेशंस को एक्सप्रेस करे, आपके इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करें। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान। अब होता है रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोजल, ये दोनों डिफरेंट थिंग हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च प्लान क्या होता है, तब मैं रिसर्च प्रपोजल पे चलूँगा। असल में जो रिसर्च प्लान होता है ना, उसका मेन जो फोकस होता है, जो कोई भी कंट्री, कोई भी टीचर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं, ये चीज़ रिसर्च प्रपोजल के एंड पे होती है। ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये चीज़। असल में जो रिसर्च प्लान होता है, स्टडी प्लान होता है, उसको मेन जो तरीका है, जो ऑफिशियल तरीका है, साइंटिफिक तरीका यूज़ कर लें, जो नाम दे लें आप, जो रिसर्च प्रपोजल में यूज़ होता है, वो ऐसे टेबल या ग्राफिकल होता है, जिसमें आप बताते हो कि मेरा रिसर्च प्लान क्या है। रिसर्च प्लान से मुराद टाइम टू टाइम मैंने क्या करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आपकी डेट्स हैं मंथली वाइज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और यहाँ पे आपका वर्कआउट है जो आप वहाँ पे करोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सितंबर 2019 अराइवल एट यूनिवर्सिटी, अक्टूबर इंट्रोडक्शन लेआउट एनालाइजिंग फॉर ओवर लैब, विजिटिंग टू द सैम्पलिंग एरिया एंड वर्क। ये आपका मेन रिसर्च प्लान है कि आपने रिसर्च को करना कैसे है, आप करोगे क्या, आउटपुट क्या आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो सब कुछ लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ सैंपल, मेजरमेंट ऑफ सैंपल, वर्क ऑन एक्टिविटी स्लज, एंड पे लिखा हुआ है कि हमारा रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर जो है सबमिट होगा। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड ईयर का ये जो मेन होता है, क्या होता है, कभी कभार मोस्टली रिसर्च प्रपोजल के एंड पे ये चीज़ सबमिट की जाती है, बनाई जाती है, जिसको हम रिसर्च प्लान का नाम देते हैं। मेन रिसर्च प्लान ये होता है। अब हम चलते हैं रिसर्च प्रपोजल की तरफ। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल को जैसा कि मैंने बताया कि उसमें काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। जो मेन है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए करें, चाहे आप मास्टर के लिए करें, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि मेन सबसे पहले आपका टाइटल, टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल का जो रिव्यूअर के लिए आसानी हो समझने के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट टीम के पास
किसी भी स्क्रीनिंग टीम के पास या जो आपके डॉक्यूमेंट स्क्रीन कर रहा है, जो किसी भी प्रोफेसर के पास ऐसा टाइटल आपका हो, आप उसको इस तरह से मोल्ड करो, मर्ज करो कि पढ़ने से आसानी समझ आ जाए। दूसरी बात, आपका जो टॉपिक होता है रिसर्च प्रपोजल का, वो ज़्यादा लेंथी भी ना हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। कोशिश करें इजी से इजी हो समझने में, ये होता है आपका टाइटल। अब जब रिसर्च प्रपोजल जब स्टार्ट होता है, काफ़ी तरह में काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि वो चीज़ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। कुछ रिसर्च प्रपोजल में आपने देखा होगा वो एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक किस्म का ऐसे ही होता है जैसे हम बचपन में, आपने देखा होगा किसी भी सबक का या स्टोरी का हम समरी निकालते थे, जिसको हम खुलासा का नाम देते हैं, कि आपने एक जामे पैराग्राफ निकालना है जो इस टोटल के बारे में डिस्क्राइब करें, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि खुलासा, समरी, आप करोगे क्या, होगा क्या, कैसे करोगे, रिजल्ट क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या यूज़ की है, वो सब आपने एक जामे सी चीज़ करके निकालनी होती है। ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च मीन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के आप इस रिसर्च के अंदर करोगे क्या क्या, व्हाट आर द पर्पस ऑफ योर स्टडी, कि आप इसको करना क्यों चाह रहे हो, क्यों करोगे, कौन से ऐसे आपने पॉइंट्स बनाए हैं। जैसा कि मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट क्या कोई भी प्रोफेसर है, टीचर है या मैं हूँ, एक किसी एरिया पे रिसर्च करना चाहता है। अब उस एरिया के अंदर उसने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जिसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव का नाम दिया, कि वो क्या क्या चेक करेगा, कि मैं इस एरिया के अंदर चेक करूंगा कि लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, यहाँ पे लोग कितने सोशल हैं, यहाँ पे लोगों का एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन कितनी है, एक दूसरे के साथ नेटवर्क क्या है। मतलब कि ये कुछ वेरिएबल जो वो डिफाइन कर रहा है कि मैं इन चीज़ों पे काम करूंगा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, कि फाइंड आउट करना कि इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर आता है रिसर्च क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो आप उनको आंसर भी करते हो कि आप इनको करोगे कैसे, आप करना क्यों चाहते हो, वजह आप उनके आंसर भी देने। फिर होता है रिसर्च मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल डेटा नीडेड टू आंसर द क्वेश्चंस, कि आपने आंसर्स के क्वेश्चंस क्या क्या देने हैं। रिसर्च स्ट्रेटजी एंड मेथड्स टू बी यूज, ये आपके रिसर्च का मेन पर्पज होता है, मेन पार्ट होता है जिस पे फोकस किया जाता है कि ये लोग मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने जब डिज़ाइनिंग करनी है तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, आप कुरल ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं, आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, और भी जो मुझे नहीं पता डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हों, तो आपने कौन सा यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, वो वाला क्यों नहीं यूज़ करना, उसको आपने क्यों छोड़ा, इसको प्रेफर क्यों किया, इसके एडवांटेज क्या हैं, उसके क्या हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, उसके क्या हैं, आपने इस तरह से एग्जाम में जो है मैथड निकालना होता है जो अगले को अट्रैक्ट करे। वर्क प्लान विद एन ओवरव्यू ऑफ एक्टिविटीज, देखो ना, ये मैं आपको अभी रिसर्च प्लान दिखा के आया हूँ। वर्क प्लान विद एन ओवरव्यू ऑफ एक्टिविटीज, जैसा कि ये है, ये आपका एक रिसर्च प्लान है, ये आपने एंड पे देना होता है। द लिंक विद एग्जिस्टिंग थ्योरी, मतलब कि आपने रेफरेंसेस देने होते हैं कि आप जो करना चाह रहे हो इससे रिलेटेड आपने जो लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है। मैं आपको अपना रिसर्च प्रपोजल दिखा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, लेकिन अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो शायद इस वजह से जो है ना, अब मैं उसको यूज़ करते हुए थोड़ा सोच रहा हूँ कि मुझे वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी फाइनल नहीं हुआ। तो रिसर्च प्रपोजल आपका मेन पार्ट होता है किसी भी सिलेक्शन में, इस पे और रिसर्च प्लान पे फोकस करें। मैं फिर बात कहूँगा कि कॉपी पेस्ट ना करें जितना हो सके। हाँ, गाइड ज़रूर लें, फॉलो ज़रूर करें, रिव्यू ज़रूर कराएं, लेकिन अपना करें, जो आपका अपना होगा वही आपका अपना होगा। क्योंकि जब आप, वो कहते हैं ना कि बैसाखियों का जो सहारा लेते हैं वो लोग जो कमज़ोर होते हैं, जो लोग वीक होते हैं, जिनमें डर होता है, सिर्फ वो लोग होते हैं जो अपने पाँव पे चल नहीं सकते। तो कोशिश करें, अपना करें, रिव्यू कराएं, अपने टीचर से कराएं, अपने प्रोफेसर से कराएं, अपने सीनियर से कराएं, या कोई और टीम जो आपको लगे कि हाँ ये कैपेबल है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, आप रिव्यू कराएं और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आज की जो टॉपिक था ना वो ये था। चलें, अब आ ही गए तो मैं आपको अपने रिसर्च प्रपोजल भी दिखा देता हूँ। अब ये देखेंगे कि ये है मेरा रिसर्च प्रपोजल।
रिसर्च प्रपोजल में जैसा कि ये मेरे नाम लिखा है, यहाँ पे मेरा रिसर्च प्रपोजल है, ये मेरा टॉपिक है, टॉपिक के बाद एब्स्ट्रैक्ट है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉब्लम और स्टेटमेंट है कि आप ये करना क्यों चाहते हो, सिग्निफिकेंस है, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये डिफरेंट सेक्टर जैसे कि हमारी जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज है उसके अंदर होता है, कुछ लोगों का यहाँ पे चार्ट बनते हैं जिसको हम फ्रेमवर्क का नाम देते हैं, अब वो बना सकते हैं, तो एंड पे जो होता है ना आपका रेफरेंसेज वगैरह होते हैं, तो इस तरह से आपने अपने रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च प्लान को बनाना है, तो मेरे ख्याल से जो है ना आप लोगों के काम आएगी।